यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया लोकसभा सीट भाजपा प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह मस्त के समर्थन में बैरिया विधानसभा के सोनबरसा बालिका इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की 55 वर्ष की इस वर्ष की सरकार के कार्यकाल और मोदी सरकार के 5 साल का कार्यकाल 55 वर्ष के कार्यकाल पर भारी पड़ेगा। यही स्थिति प्रदेश के अंदर की हुई है। हमारे विधायक और मंत्री बलिया के विकास के कार्यों को लेकर प्रयासरत हैं। आज यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंटर कॉलेज बाढ़ समस्या को लेकर योजना बनी है और जो काम बचा है इसके लिए भी योजना बन रही है। अपनी सारे सरकार के कार्यों का उल्लेख कर सपा बसपा सरकार पर जमकर बरसे योगी ने पूछा कि 2 साल पहले बिजली मिलती थी क्या, अब तो बिजली मिल रही होगी। सपा बसपा के लोग बिजली क्यों नहीं देते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में ये लोग प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डालते थे। भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त के बारे में कहा कि मस्त जी भदोही में बहुत ही विकास किए हैं, इसलिए हमने और पार्टी ने कहीं कि बलिया के विधायक के साथ मिलकर बलिया का विकास करें। एक्सप्रेस वे पर पहले गाजीपुर तक आ रहा था, मगर मैंने एक्सप्रेस वे को बलिया तक लाने के लिए का सर्वे करने का आदेश दिया है। बलिया से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट। वास्तव में 1942 में पूरा देश पराधीन था, बलिया स्वतंत्र था, यानी अलग ही बात है बलिया की, और मैं यही आभास कराने के लिए आया हूं। बलिया हमेशा देश की राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा रहा है, और इसीलिए जब विकास की बात होती है तो हमें भी लगता है कि वास्तव में देश की, जब देश के लोकतंत्र को रोकने का प्रयास किया था कांग्रेस ने, तब देश के अंदर जहां जयप्रकाश जी ने इस आंदोलन की अगुवाई की थी, इसी बलिया की धरती के लाल, और उस समय कांग्रेस के नेता थे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने भी कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके एक बार बागी बलिया का झंडा बुलंद करने का प्रयास किया था। बलिया झुकेगा नहीं, बलिया डिगेगा नहीं, विकास और राष्ट्रवाद के इन मुद्दों से कभी डिग नहीं सकता है, और इसीलिए तो विकास लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गाजीपुर की तरफ जा रहा था, मैंने कहा नहीं बलिया के लिए सर्वे करो। आज हमने बलिया को उससे जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बलिया में बहुत दिनों से बात चल रही थी कि यहां पर भी कोई मेडिकल संस्थान होना चाहिए। हम लोगों ने कहा जमीन की व्यवस्था करो, मेडिकल कॉलेज तो हमें बलिया में देना ही देना है, कहीं बलिया उससे अलग हट ही नहीं सकता है। भाइयों बहनों, विकास जहां की, क्योंकि यहां के लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है, अब पाने का समय आ गया है, और इसीलिए तो हमने वीरेंद्र सिंह मस्त जी से कहा, कह रहे भदोही का बहुत विकास हो गया है, अब आप चलो बलिया में। इनको वहां से ला के कहा गया कि भाई चलो पहलवानी अब बलिया में दिखाओ। और भाइयों बहनों, आज हम इनको लेकर के आपके पास आए।